रवीश कुमार के एनडीटीवी छोड़ने के बाद लगातार एनडीटीवी का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है, जबकि रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल फर्श से अर्श तक पहुंच गया है। सबसे पहले एनडीटीवी की बात करेंगे, उसके बाद रवीश कुमार पर आएंगे। जब से रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है, तभी से एनडीटीवी की व्यूअरशिप में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें प्राइम टाइम की, तो रवीश कुमार के आखिरी प्राइम टाइम को यूट्यूब पर 8,04,000 लोगों ने देखा, जबकि रवीश के छोड़ने के बाद नगमा नाम की महिला एंकर को प्राइम टाइम की जिम्मेदारी दी गई और नगमा के पहले प्राइम टाइम में कुल 1,19,000 व्यूज़ आए। वहीं बाद के प्राइम टाइम की हालत और ख़राब होती चली गई। उसके बाद किसी भी प्राइम टाइम के वीडियो पर 1,00,000 से भी कम व्यूज़ देखने को मिले। इससे साफ पता चलता है कि एनडीटीवी देखने वाला एक बड़ा वर्ग रवीश कुमार की वजह से एनडीटीवी देखा करता था। यही कारण है कि रवीश के एनडीटीवी छोड़ते ही करीब 30,00,000 लोगों ने अब एनडीटीवी को अनसब्सक्राइब कर दिया है। कारण बिल्कुल साफ है, रवीश कुमार की दीवानगी। खास तो खास आम लोग भी रवीश के ऐसे दीवाने हुए कि उनकी दीवानगी देखने के लायक है। किसी ने रवीश कुमार के लिए कहा, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो किसी ने यूं कहा कि बाज कभी कबूतर के साथ उड़ान नहीं भरता। बहरहाल अब बात रवीश कुमार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। तो रवीश कुमार 3 जून 2022 को अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण उस पर कंटेंट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन जब अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के प्रमोटर कंपनी RRPR को एक्वायर किया, तब से रवीश कुमार को पता चल गया कि वो एनडीटीवी पर ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं बचे हैं। तभी से उन्होंने आज से करीब 1 महीना पहले अपने यूट्यूब पर आने के इशारे दे दिए और एक वीडियो डालकर बता दिया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। उसके बाद से ही उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने लगी। उस समय उनके यूट्यूब चैनल पर 16,800 सब्सक्राइबर थे, लेकिन करीब 1 महीने में यही बढ़कर लगभग 7,00,000 तक पहुंच गए। लेकिन पिछले दिनों जैसे ही रवीश कुमार के इस्तीफे की खबर सामने आई, मानो उनके चैनल पर बाढ़ सा आ गया हो। महज 24 घंटों के अंदर ही रवीश कुमार के चैनल को करीब 15,00,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और ये यूट्यूब के इतिहास में शायद पहला ऐसा न्यूज़ चैनल होगा जिस पर इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़े होंगे। और फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड करने तक रवीश के सब्सक्राइबर की संख्या 2.37 मिलियन तक पहुंच गई है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं बात करें रवीश कुमार के इस्तीफे वाले वीडियो की, तो अब तक केवल 3 दिनों के अंदर ही 69,00,000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। ये है रवीश कुमार की पर्सनैलिटी का जादू, ये है ईमानदारी का सिरा जो रवीश को मिला और मिल रहा है। रवीश न जाने कितनों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। यही कारण है कि लोग रवीश को दिल से प्यार करते हैं। दोस्तों, आप रवीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।